दोस्तों अभी हाल में ही मैंने आपको अपडेट किया था Google Pixel 6 के बारे में। मैंने आपको बताया था कि Google Pixel 6 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि Google की Pixel सीरीज का लॉन्च डेट जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगस्त में Google Pixel 6 और 6 Pro लॉन्च होने वाले हैं। तो Google Pixel 6 की तो सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको Google Pixel 6 Pro के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि Google Pixel 6 का बेटर और बड़ा वर्जन है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जानकारी मिले कि जो Google Pixel 6 Pro है उसमें क्या क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन गूगल लेके आ रहा है वो कितना धमाकेदार होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो कि शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी भी टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों गूगल की पिक्सल सीरीज जो होती है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज है गूगल की। गूगल इसमें काफ़ी R&D लगाता है, काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग और काफ़ी ज़्यादा इसमें वो रिसोर्सेज लगाते हैं ताकि गूगल के पिक्सल जो भी फ़ोन्स आते हैं और जो ये फ़ोन्स निकल के आते हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग फ़ोन्स निकल के आते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात की है तो वही आपको गूगल का एंड्रॉयड का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ UI आपको देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको गूगल के पिक्सल फोन्स में देखने को मिल जाती है वो ये मिल जाती है, कैमरा बहुत ही धमाकेदार देते हैं। ऐसा नहीं कि 6 कैमरा दिया, 7 कैमरा दिया, 8 कैमरा दिया, 10 कैमरा दे दिया, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, 500 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया, पर क्वालिटी कुछ नहीं। गूगल पिक्सल सीरीज के जो कैमरे होते हैं वो भले ही 48 मेगापिक्सल कैमरा हो, 50 मेगापिक्सल कैमरा हो, बट वो कैमरा बहुत ही दमदार होता है और बहुत ही अमेजिंग होता है। अभी तक जितने भी टेस्ट मैंने देखे हैं, जितने भी रिव्यूज मैंने देखे हैं, गूगल का पिक्सल का जो कैमरा है वो किसी भी स्मार्टफोन से लूज नहीं किया है रिव्यूज में। क्योंकि रीजन ये है कि गूगल पिक्सल के सिर्फ हार्डवेयर अच्छे नहीं होते कैमरे के, सॉफ्टवेयर भी अच्छे होते हैं। उसी प्रकार गूगल पिक्सल 6 प्रो भी आने वाला है और इसमें भी काफी अमेजिंग स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं। कैमरा बहुत ही जबरदस्त इन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो के डिस्प्ले की। तो अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.71 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले। अभी जो POLED डिस्प्ले होता है वो AMOLED डिस्प्ले से भी ज्यादा बेहतर डिस्प्ले है। IP68 की वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले पे। जो डिस्प्ले होगा वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के सपोर्ट के साथ आने वाला है। गूगल का व्हाइट चैपल चिपसेट होगा। अभी जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन का भी नहीं है, ये मीडियाटेक का भी नहीं है, ये गूगल अपना चिपसेट खुद बना रहा है। बायोनिक चिप जो एप्पल का A14 बायोनिक है और स्नैपड्रैगन का 888 है, उसको कम्पीट करने के लिए गूगल ने अपना खुद का एक चिपसेट बनाया है जो कि है गूगल का व्हाइट चैपल चिपसेट, जो कि आने वाला है गूगल पिक्सल 6 प्रो में। ये जो गूगल पिक्सल 6 प्रो है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा। और अगर दोस्तों इसके फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 6.7 इंच का जो डिस्प्ले मिलेगा उसके अंदर आपको सेंटर में टॉप पे 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा पंच होल डिस्प्ले के अंदर। 50 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा डुअल टोन LED फ्लैश के साथ। पीछे के साइड में भी आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें वेरिएंट्स की तो 8GB 12GB का LPDDR5 रैम के साथ आएगा, 128GB 256GB और 512GB के UFS 3.1 के स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों वेरिएबल वेरिएंट्स में आएगा, मान लीजिए एक 8128GB का हुआ, दूसरा 12128GB, तीसरा 12256GB, तो ऐसे वेरिएबल मिक्स्ड वेरिएंट्स में ये लॉन्च होगा। कैमरा मैंने आपको बताया कि 50 प्लस 48 प्लस 12 काफ़ी अमेजिंग कैमराज इसमें आपको देखने को मिलेंगे, टेलीफोटो लेंस, मेन सेंसर और आपको वाइड एंगल सेंसर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आप 4K एट 30fps तक की वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे। बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा हाई रिजोल्यूशन वीडियोस का। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, 50W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिला USB Type-C। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, NFC का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला जुला करके एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 प्रो के नाम से गूगल लेके आने वाला है। अब ये जो स्मार्टफोन है वो गूगल पिक्सल 6 के अलॉन्ग साइड, यानी गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो एक साथ ही लॉन्च होंगे। और ये जो दोनों ही स्मार्टफोन होंगे वो जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होंगे जो
A14 बायोनिक के साथ आते हैं, iPhone 12, 13 जो 13 आने वाला है वो, उसके बाद Samsung के जो स्मार्टफोन्स आते हैं Snapdragon 888 के साथ, या Snapdragon 888 को यूज़ करके जितने भी चिपसेट्स आते हैं, जो Google का चिपसेट है Whitechapel वो सबको कम्पीट करेगा। और ये देखना होगा कि इसका प्रोसेसर जो है वो किस तरीके से और कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है इस सीरीज में, और क्या सच में ये A14 और Snapdragon 888 को बीट कर पाएगा प्रोसेसिंग में। कुल मिला जुला करके ये थी वीडियो आपको जानकारी देने के लिए Google Pixel 6 Pro के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है Google के आने वाले नए सीरीज में, Google के आने वाले नए लॉन्च में। तो ये जो सीरीज है उसके बारे में मुझे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपको क्या लगता है Google Pixel 6 Pro के बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने एक्साइटेड हो आप इस फोन के लिए और आप क्या उम्मीद कर रहे हो Google Pixel 6 Pro में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूरी जानकारी जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो किसी तरह से पसंद आ गई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।